हेलो एवरीवन दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ जैसा कि हम लोग रिंग थ्योरी पे चल रहे थे ठीक है रिंग थ्योरी की फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट में तीन चैप्टर्स थे तीनों के तीनों चैप्टर्स बाइंड अप हो चुके हैं ख़त्म हो चुके हैं अब यूनिट नंबर टू जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर फोर उसे हम लोग करते हैं ठीक है, है? देखिए मैं सोच ये जा हूँ और कुछ लोग कमेंट से ये पता चलता है कि वो लोग अभी रिंग थ्योरी ही कम्प्लीट चाह रहे हैं कि कम्प्लीट हो जाए उसके साथ फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल जोमेट्री स्टार्ट करेंगे ठीक है और टेंसर उसके साथ साथ होगी देखिए ठीक है तो चलिए यही सही रहेगा क्योंकि एक एक रिदम बना हुआ है आप भी समझते चल रहे हैं तो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी नहीं तो अभी इसी से सीधे, सीधे सीधे स्विच करेंगे दूसरी बुक में तो वो भी आपको दिक्कत करेगा डबल माइंडेड आपको वर्क करना पड़ेगा दो माइंड में जाना पड़ेगा तो ठीक है ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आई ठीक है अच्छा तो चलते हैं चैप्टर नंबर फोर पे जो जो कि हमें फील्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन के बारे में बताता है क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो क्वेश्चन ग्रुप जितने भी होते हैं उनमें अपॉन वाले ग्रुप्स बनते थे जैसे आर बाई एस बनता था क्वेश्चन रिंग यहाँ पर मिलता है और ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन ग्रुप बनता था अब हमें यही बात इंटीग्रल डोमेन में पढ़नी है और इंटीग्रल डोमेन में इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है ठीक है तो चलिए पहला जो पॉइंट है जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेफ्ट आइडियल जो स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल है या स्मॉलेस्ट राइट आइडियल है मतलब आइडियल ही बनाना है सबसेट ऑफ अ रिंग ही बनाना है और उसे स्मॉलेस्ट बनाना है जो किसी एक दूसरे सबसेट को रखता हो चलिए देखते हैं देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल कंटेनिंग अ गिवन सबसेट देखिए सबसे पहले बात हम लोग की क्या है सबसे पहले मैं एक आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको और अच्छी बात समझ में आएगी ये बॉक्स थोड़ा सा पार्शियल लग रहा है जीप सा ठीक है ये आर रिंग का हमारा हो गया बॉक्स ठीक है अब हमारे पास एक स, आ गई रिंग का सब रिंग इसे हम एस बोल दें ठीक है और इस सब रिंग के अंदर भी एक सेट हमारा चलिए ट्राइंगल बना देते हैं जिसे हम ले लेते हैं एम अजीब लग रहा है एक सेकंड एक ट्राइंगल ले लिया मैंने एम ठीक है अब ये तीनों चीज़ें जो आपके सामने लिख के आ रही है आप सही से देखें कि इफ एम इज़ सबसेट ऑफ आर ठीक सबसेट का साइन है ये एम इज़ वॉट एम इज़ सबसेट ऑफ आर ठीक है ये उसी सबसेट की बात कर रहा है जो हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है कोई भी एक सबसेट बना लिया ठीक है और जो हमारा एस होता है वो भी सबसेट ऑफ आर होता है होता है ना सबसेट तो होता है ना एस तो सब रिंग है और एम एक सेट है एम इज़ अ सेट एक सेट है जो कि सबसेट ऑफ रिंग का है ठीक है क्योंकि उसके अंदर बनाया गया एस भी एक रिंग है सब रिंग का एक सब्जेक्ट है ठीक है अच्छी बात है इतना क्लियर है क्योंकि इस ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसको मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है राइट में ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब एस कंटेन्स एम एस जो है वो एम को कंटेन कर रहा है बिल्कुल सही बात है अंदर बनाया ना तो कंटेन तो करेगा कंटेन मतलब रखना ठीक है एस इसको कंटेन कर रहा है बड़ी ही अच्छी बात है ठीक है और ये जो एस है एंड जो एस है एस इज दो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट हमने लिया है स्मॉलेस्ट एक पार्ट लिया है या स्मॉलेस्ट अगर ना लें रुकिए इफ एस इज़ ऐसे समझते इफ एस इज़ कंटेंड अगर ये कंटेंड है इन एवरी एवरी मतलब एवरी क्या सारे के सारे एस किस में होना चाहिए सारे के सारे आगे लिखता हूँ एस इज़ कंटेंड इन एवरी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ ध्यान सुनेगा आर के जितने भी आइडियल बनेंगे जितने भी उसमें जो हमारा एस होगा जो होगा वो सब में आएगा ठीक है तो आप ये कह सकते हो अगर एस सब में आएगा तो एस इतना छोटा होगा कि सब में आ जाएगा क्योंकि तो एस को हम बहुत बड़ा नहीं कह सकते अगर बहुत बड़ा लेंगे तो हो सकता है किसी से वो बाहर निकल जाए तो इसलिए एस को हम स्मॉलेस्ट प्रूफ जो हेडिंग है वो से हम वही चीज़ बताने वाले हैं कि स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहे हैं उसमें हेडिंग में है ना स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल क्यों बोल रहे हैं अगर सारे के सारे आर के लेफ्ट आइडियल निकाल लिया आपने आर के बहुत सारे आइडियल निकाले भाई आर ये है इसमें से हमने एक निकाला लेफ्ट आइडियल दो आइडियल निकाला लेफ्ट तीन निकाला ठीक है और ये तीनों को जो भी हैं उन सब में एस है स्मॉल वाला मान लेते हैं तो क्या होगा इतना ठीक है लेफ्ट सारे लेफ्ट आइडियल में होगा और एस एम को कंटेन भी करता है क्योंकि एम एस के अंदर है देन एस इज़ कॉल्ड एस अब इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ एस इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल कंटेनिंग एम ठीक है एम को कंटेन करता है बात समझ में आई अब देखिए इसको अगर हम पॉइंट से लिखें पॉइंट वाइज लिखें तो पॉइंट में लिखने का तरीका ये होगा कि भाई देखिए समझ लेते हैं वही पॉइंट में तो ऐसे वैसे पहले ही बता दिया मैंने सबसे पहली बात क्या है जो एम होगा वो एस का सबसेट होगा ठीक है दूसरी बात क्या होगी दूसरी बात अगर हम ये कह पाएँ कि एस सबसे छोटा है तो ठीक है भाई एस सबसे छोटा है ना तो हम थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं के इफ़ इफ के बी अनदर आइडियल अनदर लेफ्ट आइडियल लेफ्ट आइडियल तो भाई एस सबसे छोटा है चीज़ प्रूफ भी तो करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे एक और आइडियल ले लेंगे और एस को उससे भी छोटा कर देंगे और कोई भी एक लेफ्ट आइडियल ले लिया के बी एनी लेफ्ट आइडियल देन हम इसके बाद अगर ये प्रूव कर पाए कि जो K है वो M को तो रखता ही है भाई K बड़ा है M से यानी K M को रखता है और K खुद R में से निकाला गया यानी K R का भी सबसेट हो ऐसा कुछ हो तो यहाँ से ये हमें मिलता है कि जो हमारा K होगा वो S जो होगा वो K का सबसेट ही होगा एक सेकेंड इसको इधर उधर लिख दें जो S होगा वो क्योंकि स्मॉलेस्ट है और k भी एक आइडियल है तो एस अगर स्मॉलेस्ट है तो के में वो भी रहेगा यानी एस क्या होगा के का सब्जेक्ट अगर इतनी बात हम प्रूव कर ले गए तो हमारा क्या हो जाएगा एस सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल होगा जो एम को रखेगा यहाँ से एक एक और बात निकल के आती है उसको नोट में लिखते हैं वो वर्ड है जो यूज़ करना पड़ता है देखिए क्या समझिए अगर हम कहें एस जो है वो सबसे छोटा लेफ्ट आइडियल है लेफ़्ट आइडियल मतलब समझ रहे हो है ना आइडियल मैंने समझाया था लेफ्ट मतलब जो आपकी रिंग का एलिमेंट है वो आपका लेफ्ट में रहेगा है ना अगर बोले लेफ्ट आइडियल तो इसका मतलब क्या है अगर आपने ए ले लिया एस में से मैं याद दिला देता हूँ आर ले लिया रिंग से तो आर इंटू ए अगर बिलोंग कर जाए एस में तो आर लेफ्ट में लिखा है ना रिंग का एलिमेंट तो ये लेफ्ट आइडियल हो जाएगा और अगर हम ए इंटू आर कर दे बिलोंग कर दे एस में तो आर राइट में लिखा है तो इसे हम क्या कह देंगे राइट आइडियल बोल देंगे दिस इज़ वॉट राइट आइडियल मे बी आपको याद आ गया हो ये पिछले वीडियोस में था ठीक है इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि भाई एक बार कम से कम एक बार आप लॉ जो लॉन्ग आंसर वाली वीडियो जरूर देख लें तभी आपको एम अच्छे से समझ में आएगा मेरी बात ध्यान से सुनिए ठीक है हालाँकि उसमें मैं बताता हूँ लेकिन एक क्लियर व्यू नहीं समझ में आता है एक बार ही खाली देख लीजिए आपको समझ में आने लगेगा ठीक है देखिए अब क्या बता रहा था हाँ देखिए हम इसको लेफ्ट आइडियल तब बोलते हैं अगर हम कहें इफ़ फ़ एस इज़ द आइडियल कंटेन्ड इन एवरी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर आइडियल ऑफ आर है ना कंटेनिंग uh, एम मतलब एस जो है वो एम को कंटेन करता है और साथ ही साथ वो आर के सारे लेफ्ट आइडियल में अगर है देन देन एस इज एक सेकेंड एस इज द स्मॉलेस्ट तब एस सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे छोटा ही सब में पाया जा सकता सबसे बड़ा सब में पाया नहीं जा सकता एस इज द स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल लेफ्ट आइडियल जनरेटेड बाई एम एक वर्ड और आ गया मतलब अब एम क्या करेगा उसको जनरेट कर देगा जनरेटेड बाय एम ध्यान रखिएगा जनरेट का मतलब होता है पूरा बना देना ठीक है बना देना उसको ठीक है तो इसको इसका नोटेशन क्या है अगर लिखना चाहें इस बात को तो हम ऐसे लिखते हैं डिनोटेड बाय बाई कैसे देखिए अगर हम लिखें एस एस को कौन जनरेट रहा है एम एम जनरेट है तो इसके बगल में ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है जनरेटर इसके अंदर क्या है जनरेटर है इसके अंदर ठीक है जनरेटर जनरेटर के लिए फंक्शन लिखना होता है या फंक्शन बनाना होता है हम ब्रैकेट लगा देते हैं आज से यही समझेंगे इस बात को ठीक है आई बात समझ में अब इस सेट को डिनोट uh, लिखेंगे कैसे कैसे लिखेंगे इस सेट को भाई जो जनरेटेड बाई जो सेट है हमारा वो कैसे लिखेंगे देखिए अगर हमें लिखा ऐसे एक सेकेंड हमने लिखा जनरेटेड बाई एम तो एम इज़ इक्वल टू क्या होगा इसमें हमें क्या करना होगा एक एलिमेंट लेना होगा आर से एक एलिमेंट लेना होगा एस से और एक एलिमेंट लेना होगा एम से तो हमने आर से एलिमेंट जो लिया उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस कैपिटल एम से स्मॉल एम एक एलिमेंट ले लिया उसको भी ए से मल्टीप्लाई किया ठीक है जहाँ पे जो आर है वो हमें आर से उठाना है ठीक है एम बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल आपका जो ए है वो भी रियल नंबर से ही सॉरी रियल नहीं <laughs> रिंग से उठाना है ठीक है अभी कि आर भी रिंग का है ए भी रिंग का है एम जो है वो आपका इंटीजर है और जरा एक बात बताइए हमें कैपिटल एम से उठाने की जरूरत है कैपिटल एम से उठाने की इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि कैपिटल एम खुद ही कंटेंट है एस के अंदर और एस खुद ही कॉन्टेंट है आर के अंदर तो आपको स्पेशली एम के लिए एम में से कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं वो एस से ऑटोमेटिक उठ के आ चुका है तो यहाँ पे Z इंटीज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी भैया हो एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है जनरेटर ठीक है जनरेटर का मतलब होता है जो जनरेट करे और आप बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को यहाँ पे लगा हुआ है प्लस ठीक है प्लस से किसी को जनरेट करना हो तो कई बारी जोड़ना पड़ता है जैसे अगर मुझे टू से फोर बनाना हो तो आप टू को दो बारी ऐड करेंगे दो बारी ऐड करेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा तो ये टू हो गया ये वाला आप उसे कितनी बार ले रहे हो दो बार तो ये दो है क्या इंटीज़र है बात समझ में आ रही बात जनरेटर जब भी जनरेट करना होता है तो हम लोग यही करते हैं इंटीज़र की ज़रूरत लेनी पड़ती है आई बात समझ में तो याद यही रखना आर ए प्लस एम ए क्लियर है बात है कि नहीं अच्छा भाई देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आप सही से देखें एक चीज़ और बात है कि ए आपको मैक्सिमम दिख रहा है स्पेशली तो इसे हम लिखते भी हैं इसका एक और क्या लिख सकते हैं इसको लेफ्ट आइडियल स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर हमने क्या किया ए से जनरेट हुआ स्पेशली इसको क्या बोलेंगे पूरा का पूरा तो एम के ही आ जाएंगे जनरेटर तो हमारा एम हो गया स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल अब इसको जनरेट कौन कर रहा है सिर्फ ए एलिमेंट तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही एक तरीके से जनरेटर हो जाएगा है ना बात समझ में आई अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और नोट का दूसरा पॉइंट है वो नोट चल रहा था ना मैंने नोट लिखा हुआ है यहाँ पे नोट का पहला पॉइंट हो गया लेट से ये और ये नोट का सेकेंड पॉइंट हो गया ठीक सेकेंड पॉइंट क्या है सुनिए अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर जो आर है हमारा उसमें ई बिलोंग कर रहा है मतलब यूनिटी है रिंग विद यूनिटी है रिंग विद यूनिटी है यूनिटी मतलब वही मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की हमेशा न, जब वन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि मॉडलों के केस में अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं बच्चों है ना और अलग अलग अगर ऑपरेशन ऑपरेशन अलग अलग डिफ़ाइन करें तो अलग अलग आइडेंटिटीज़ आ सकती हैं इन्वर्स भी अलग अलग आ सकते हैं ज़रूरी नहीं है टू का एडिटिव इन्वर्स माइनस टू हो वो तो ऑर्डिनरी इन्वर्स हुआ ना है ना हो सकता है कुछ और हो तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी तो ऐसे केस में अगर हम बोलें लेफ्ट आइड लेफ्ट आइडियल कैसे डिफाइन होगा तो सुनिए ध्यान से सुनेगा ऐसे में आपको अगर ये जो ऊपर लिखा हुआ मैंने आर और ए करके चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आर ए अब ई अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आ गई आपको याद हो आर इसमें आता है ठीक है तो आर तो लिख दिया मैंने मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ ठीक है आर प्लस एम चलो ठीक है लिख ही देता हूँ ये आर बिलोंग्स टू आर हो गया ठीक है और ये बताइए एम तो एक नंबर है मतलब एम तो एक इंटीज़र है और ए अगर थोड़ी देर के लिए दिमाग आप लगाएं तो इस वाले पार्ट की ज़रूरत आपको शायद ना ही पड़े कि भाई देखिए एम एक इंटीज़र है या आ, एम एक कोई भी इंटीज़र मान लीजिए फोन ले लेते हैं और उसके साथ ए लिखा हुआ है अगर वो ए यहाँ पे अपनी जगह पे आइडेंटिटी हो जाए है ना तो ये तो एक तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं है ये तो हट गया आइडेंटिटी आ गई फिर तो क्या होगा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तो जब भी हम लोग आई ई e की बात करते हैं जब ई e अगर रिंग विद यूनिटी आ जाए तो उसमें यूनिटी के केस के में दूसरा वाला पार्ट हट जाता है दैट मीन्स कि अगर आप बात कर रहे हैं रिंग विद यूनिटी की और एक एलिमेंट अगर एस बिलोंग्स टू आर ले रहे जैसा कि यहाँ पे आर बिलोंग्स टू आर लिया था इसमें एस ले लिया जैसे कि आपको याद रहे तो इसे लिखने की सिर्फ सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ए की और जहाँ पे हमारा एम की ज़रूरत तो है ही नहीं एस बिलोंग्स टू आर हो गया तो ये हो गया और ये जो भी आएगा ये आपका रिंग का सबसेट होता है ये तब की बात है जब ई e बिलोंग कर जाए यूनिटी बिलोंग कर जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर जाए तो सिर्फ एक ही रह जाता है लेफ़्ट वाला आप आर ए भी लिख सकते थे यहाँ पे आर भी लिख सकते थे ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको एस में चेंज कर दिया याद रहेगा आपको जैसे ठीक लेगा वैसे लिख लीजिएगा ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ये अभी भूमिका चल रही है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है फिर आपको क्वेश्चन फटाफट फटाफट फटा समझ में आने लगते हैं और ये इस सब इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि दीज आर वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सी एग्जामिनेशन मतलब फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में एम आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है मतलब है तो सिंपली वही चीज़ है प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है वही जो भी जस्ट पीछे बताया कि अगर किसी स्पेशल एलिमेंट से अगर बनाया जा रहा है लेफ्ट आइडियल इफ एनी आइडियल इज जनरेटेड इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर अगर ए हमने ले लिया उसे बिलोंग जनरेट हो रहा है तो इसे हम लेफ़्ट आइडियल भी बोल सकते हैं ठीक है दैट मीन्स कि ये जो हमने लिखा था उसे ही हम लिख सकते हैं जै, जैसे ये लिखा था ना अभी आर ए प्लस एम ए सच देट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड एम बिलोंग्स टू इन ठीक है लेफ्ट आइडियल है क्योंकि आर मेन वाला मटेरियल लेफ्ट में लिखा है इसलिए ये लेफ़्ट आइडियल है। आई बात समझ में ठीक ना अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आ, अगर कन्फ्यूजन रह गया हो तो इसे हम पूरा कर दें ये अगर ई क्योंकि ई बिलोंग करता है तो क्या कैसे ये केवल दो को एक में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग अगर ई बिलोंग कर गया तो ये दो को कैसे एक में कन्वर्ट कर देते हैं तो देख लीजिए तो समझा देते हैं ध्यान से सुनिएगा कैसे देखिए समझिएगा बात को बिकॉज उसको हम नीचे प्रूव कर देते हैं बिकॉज जो कि ई तो बिलोंग कर रहा है भाई ई तो हमने ले लिया आर में से अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा हम अब क्या करेंगे ऐसे हमने क्या लिखा था आर ए प्लस एम ए लिखा था अब आर आर इन टू ई ए लिखेंगे प्लस एम इन टू ई ए लिखेंगे ठीक है लिखेंगे भाई ए है क्योंकि ए की जगह ई ए रख दे रहा है क्योंकि ई देखे क्या चेंजमेंट लाता है तो भाई ई तो आइडेंटिटी आडे आडे है आर में तो बिलोंग करेगी तो आर ई वो आर ही हो जाएगा मतलब भाई ये बताइए आर तो रिंग का एलिमेंट है ना तो ई पे कोई वैसे भी फ़र्क नहीं डालने वाला तो आर ए हो गया यहाँ पे अगर देखें आप तो हम एक काम करते हैं एम है हमारा इंटीजर ई को ए के साथ कर देते हैं क्यों भाई समझ में आ रही बात अब अगर आप देखें अगर कॉमन लें आर प्लस एम ई कर दें तो एक ए बाहर हो गया है कि नहीं ठीक है भाई क्योंकि अब एम के साथ यानी इंटीजर के साथ आइडेंटिटी आ चुका है तो ये भी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा ये भी बिलोंग कर जाएगा हमारा आर में तो हम इसे लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश फॉर ऑल है ना या फॉर ऑल ना लिख करके आप यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए कॉमा लगा के कि भाई आर डैश जो है वो एम ई के इक्वल है और ये बिलोंग कर रहा है आर में इसलिए हमने ये आर डैसा लिख दिया अब दोनों ही आर में बिलोंग कर रहे हैं आर भी और आर डैश भी तो उसकी जगह कुछ और लिख दिया एस लिख दिया है ना फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू आर तो ये था उसका प्रूफ इफ़ यू वॉन्ट टू प्रूव इट दैन क्योंकि इसका यूज़ होगा इसलिए बताना मैंने मुनासिब समझा कि ज़रूरी है बताना ठीक है भाई चलिए देखते हैं आगे बढ़ें जहाँ हम लोग थे इसमें अगर हम लोग ने प्रिं, प्रिंसिपल आइडियल की बात कर ली तो ये वाला क्या होगा आर लेफ्ट में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट कि ये जो है हमारा आर ए है इसको कैसे शो करेंगे कैपिटल आर और इन टू ए तो इससे आप बोलेंगे प्रिंसिपल लेफ़्ट आइडियल लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना पड़ जाए ए, ए इंटू आर ए इंटू आर और ए इंटू एम R belongs to capital R and M belongs to capital Z. तो so, ये क्या हो जाएगा दिस विल बी राइट आइडियल राइट प्रिंसिपल आइडियल प्रिंसिपल राइट आइडियल कुछ भी बोल लीजिए सब चलेगा दिस इज़ what लेफ्ट कुछ भी बोल लीजिए ये राइट हो गया ठीक है चलेगा आगे बढ़ा जाए बिल्कुल बढ़ेंगे आप नहीं कहेंगे तो भी बढ़ेंगे आप कहते कहाँ हैं इसी बात पे कमेंट पे आगे बढ़िए लिख दिया आप लोग देखिए प्रिंसिपल जो लेफ्ट आइडियल है वो ये है प्रिंसिपल राइट आइडियल वो ये है अच्छा केवल जो हमने हेडिंग डाली उसमें तो लेफ़्ट या राइट लिखा नहीं है तो देखिए वो उसमें क्या हो जाता है ज़्यादा कुछ नहीं हल्का सा चेंजमेंट हो जाएगा अगर हम केवल लिखें प्रिंसिपल आइडियल रिंग तो उसमें एम ए और ए एम वाली लाइन ख़त्म हो जाती है ये दोनों खट खत्म हो जाती है और ये दोनों एक साथ आ जाते हैं मतलब समझिए याद रखने का तरीका ये याद रखने का तरीका था शॉर्ट थोड़ा सा तरीका देखिए कैसे देखिए अगर हम सिंपल कहें कि प्रिंसिपल आइडियल आज मेरे पेन को क्या होगा आइडियल रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है भाई देखिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल सा एक सेट होता है जिसमें आर ए यानी लेफ्ट और राइट दोनों आ जाते हैं जहाँ पे आर आप बिलोंग कर सकते हो इसमें ठीक है इसे क्या करते हैं इसे प्रिंसिपल आइडियल रिंग ऑफ आर बोलते हैं ठीक है ये ध्यान रखिएगा सिंपल सी बात है क्लियर बात अच्छा अब आगे देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट है जितने भी कॉम्पिटेटिव रिंग्स होती हैं रिंग्स आर ऑल्सो आर ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल रिंग याद रखिएगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग जितनी भी कॉम्पिटेटिव रिंग्स आएंगी ठीक है तो वो भी आ, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है ठीक है रिंग के बारे में बात होगी हालांकि चैप्टर का तो नाम तो था डोमेन से लेकर के इंटीग्रल डोमेन से लेकर के तो चलिए रिंग सब जब समझ में आ जाता है तो डोमेन तो उसके ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अगली जो हेडिंग है वो यही है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन चलिए देखिए तो देखिए अब अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करें तो भाई जितने भी आइडियल आप निकल सकते हैं किसी भी सेट को लेकर के ठीक है अगर वो सारे के सारे प्रिंसिपल बन जाए तभी हम उसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग में क्या होता है कोई भी एक भी निकल गया तो उसे स्पेशली बोल देते थे लेकिन अब क्या होगा कोई भी अगर इंटीग्रल डोमेन है इफ एन इंटीग्रल डोमेन डोमेन हैज़ एवरी आइडियल अगर उसमें से आइडियल हम बनाए हेज़ एवरी आइडियल हैज़ प्रिंसिपल आइडियल अगर उसका हर एक आइडियल खुद में प्रिंसिपल हो ठीक है तो ऐसे इंडिग्रल डोमेन को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलेंगे ठीक है देन सच इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्रिंसी आइडियल डोमेन प्रिंसी तो कुत्ते का नाम रखते हैं हम लोग कोई नहीं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गॉट इट ठीक है कुछ डेफिनेशन हैं थोड़ा सा दिमाग में रखते रहिएगा ठीक है अभी इस पहले वाले पॉइंट में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको लेकिन आगे जब नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन में जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि अब एकदम नई चीज़ें सीख रहे हैं ठीक है तेके? तो डेफिनीशन्स होंगी दिमाग में रखनी पड़ेंगी तो थोड़े दो एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को क्लियर हो जाएगा ठीक है इसको देखिए एक हेडिंग और है प्राइम आइडियल वो क्या होता है तो भाई देखिए क्या होता है प्राइम आइडियल ये प्राइम लिखा है भाई ठीक है देखिए इफ देखिए कोई भी अगर आइडियल है है ना इफ एस बी एन आइडियल ऑफ आर और कोई आइडियल है देन एस इज प्राइम प्राइम आइडियल वैन वैन क्या वैन अगर हम बोलें दो एलिमेंट हम उठाएं ठीक है और दोनों का प्रोडक्ट ले लें और वो एस में हो लेकिन इससे ये प्रूव हो करके आए कि उनमें से कोई एक ही या तो पहले वाला या तो बीस दूसरा वाला उसमें हो है ना तो ऐसे को प्राइम आइडियल बोलते हैं या तो पहले वाला या तो दूसरे वाला ठीक है दोनों होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है तब तो भाई आइडियल की बात ही नहीं होती बाहर से कोई एलिमेंट उठा करके अगर आपने बना ले तो काम हो गया ठीक है क्लियर है बात ठीक है देखिए छोटा सा एक नोटेशन है क्या नोटेशन है नोटेशन अगर मान लीजिए किसी एक आइडियल को, को, को कोई एक एलिमेंट जनरेट करता है इफ एस इज़ जनरेटेड बाय अगर एस को कोई एक एलिमेंट जनरेट कर दे रहा पूरा जनरेट करने का मतलब सिंपल सी बात है एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस एलिमेंट से बन जाएंगे मतलब ए अकेले एस को पूरा का पूरा बना देगा ठीक है तो इसे हम कैसे लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं जैसे एम से जनरेट हो रहा था तो हमने ब्रैकेट बनाया था एम पे ए से जनरेट हो रहा है, तो ए पे और अगर इफ वी हैव एंड इफ वी हैव टू हैव टू एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स से एंड बी इफ वी हैव टू एलिमेंट्स जनरेटर एज जनरेटर अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जनरेटर की तरह तो उसे कैसे लिखेंगे दैन दिस विल बी रिटर्न एज एस इज़ एकवल टू अब इसमें ये करली ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर दोनों चीज़ें लिख दी जाएँगी अब करली ब्रैकेट का मतलब तो फिलहाल आप समझोगे तो सेट बना दिया है ना सेट बना दिया कि भाई एस के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है तो थोड़ा सा नोटेशन पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने भी हैं फॉर ऑल ए चाहे ए और बी यहाँ पर भी रियल आ, मतलब रियल नहीं आ, रिंग से उठा रहे हैं फॉर ऑल वो सारे ए जो जनरेट कर रहे हैं उन सबको ऐसे लिखते हैं बस समझ में आई ठीक है क्लियर बात है अब इसके बाद हम लोग जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कैलकुलेटिव पोर्शन करेंगे और थ्योरम करेंगे इस चैप्टर का चैप्टर नंबर फोर है ये ये यूनिट नंबर टू का सिर्फ एक ही चैप्टर है यूनिट नंबर टू में यूनिट नंबर वन में तीन चैप्टर थे यूनिट नंबर टू में सिर्फ अकेला चैप्टर है ठीक है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन कोई बात नहीं छः से सात वीडियो में कवर हो जाएगा कोशिश तो करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाए ठीक है चार से पाँच वीडियो में खत्म हो जाए ठीक है ना तो क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में शेयर जैसा आप लोग करते हैं कर दीजिएगा एंड इफ़ यू हाईडेंट अंडरस्टूड एनी ऑफ द टॉपिक और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ़ द वीडियो यू कैन सिंपली कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम द टेलीग्राम लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो सो फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन मी ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथवेद पर रूपेश मिश्रा के साथ थैंक यू